हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। वक्त है आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर नजर डालने का। 1 दिसंबर को महाराष्ट्र की 6 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के हेल्थ केयर डेटाबेस तैयार हो रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वार प्रबंधक समिति के सदस्यों ने अभिनेत्री कंगना को कानूनी नोटिस भेजा। कंगना ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। एयरफोर्स ने LAC पर शुक्रवार को एक साथ 10 आकाश मिसाइलों पर सफल परीक्षण किया। ये मिसाइलें दुश्मनों के विमानों को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच फिर बैठक होगी। BSE का मार्केट कैप 179.48 लाख करोड़ रुपए रहा। करीब 52% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। कम नहीं होंगे आपके लोन की EMI। RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। हुआ बड़ा हादसा, नष्ट हो गया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना। अब नहीं मिलेगी एलियन की जानकारी। दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कुछ दिनों में बेहद चिंता में हैं कि अब धरती की तरफ अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की जानकारी कौन देगा, क्योंकि ऐसे खबरों की जानकारी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना जो टूट गया है, अब इस एंटीना की रिपेयरिंग की जाएगी। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी 3 मैचों में T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। जडेजा का T20 सीरीज से बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।